वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फेस्टिव सीजन बहुत ही नजदीक है गाइस, सो उसी के लिए क्या है, मैंने ये फेस्टिव सीजन मेकअप लुक जो कि बहुत ही इजी है और कोई फाउंडेशन कंसीलर मैंने यूज नहीं किया है और यू नो हेयर स्टाइल ज्वेलरी सब कुछ परफेक्ट है फेस्टिव सीजन के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all guys, I want to thank S&A Fashion Hub for sending me this beautiful choker necklace with earrings। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये choker necklace है और you know बहुत ही ज़्यादा comfortable है wear करने में, इन्हें कहीं भी कुछ चुभ नहीं रहा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है और मेरे कपड़े के साथ मैच भी कर रहा है। और इसकी ईयरिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही लाइट वेट है, कुछ भी भारी नहीं लग रहा है। और उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो एक इंस्टाग्राम स्टोर है तो आप उनके स्टोर को जरूर चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। सो या अब मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लगाएंगे फेस सीरम और वैसे भी ठंड आ रही है और मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो चुकी है, मतलब जनरली लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है और मेरी स्किन तो ड्राई है तो बहुत ज्यादा ड्राई होगी। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रेप सीड स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम, ये स्किन बहुत अच्छा शाइन देता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग गुड वाइब्स का आर्गन सॉफ्टनिंग फेस जेल, लुक एट द टेक्सचर। मेरा स्किन कितना कलर शेड डार्क लग रहा है, बट या स्कैच दैट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज गुड वाइब्स का रेस्पबेरी एंड पेपरमिंट बैलेंसिंग फेस क्रीम, इसका कलर कितना खूबसूरत है। इसमें पेपरमिंट है तो यू नो कुछ सेकंड्स के टिंगलिंग सेंसेशन आती है और उसके बाद ये इतना सूथिंग और काम लगता है, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो या आई कैन गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज लैक्मे 95 सीसी क्रीम एंड आई एम इन द शेड बेज। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। नेक्स्ट अब हम करेंगे अपने आईब्रोज को फिल। नेक्स्ट अब हम करेंगे आई मेकअप और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का मर्करी रेट्रोग्रेड पैलेट। फॉर क्रीज वी आर गोइंग टू यूज दिस शेड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज दिस शेड इन द आउटर कॉर्नर ऑफ आर आई। थोड़ा ये शेड लूंगी हॉट मेस और थोड़ा से डीप एंड आउट करूंगी। नेक्स्ट अब सबको ब्लेंड आउट कर लेंगे अच्छे से। अब हम ये शेड लेंगे और अपने पूरे आईलिड पे लगा लेंगे। नेक्स्ट अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम जो पिंक पर्पलिश शेड है उसे अपने लोअर लैशन पे लगा लेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लगाएंगे विंग आईलाइनर, और मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे मस्कारा, और मैं अभी यूज कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कलर वाटरप्रूफ मस्कारा। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे ब्लश, और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सिस ब्यूटी का बेक्ड ब्लश एंड हाइलाइटर। नेक्स्ट इज हाइलाइटर, और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मास्टर कोम मेबलिन का। और इनर कॉर्नर पे मैं लगाऊंगी ये शेड। नेक्स्ट हम लगाएंगे लिपस्टिक, और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ जोडक यूएसए का रेट्रो मैट लिपस्टिक इन द शेड 15। एंड नाउ वी विल टॉप सम ग्लॉस ऑन इट, एंड आई एम यूजिंग लाडियो प्लम्पश एंड प्लम्पिंग लिप ग्लॉस इन द शेड ट्रू लव। सो गाइज, हमने हेयर स्टाइल भी कर लिया, बट फेस्टिव लुक बिना ज्वेलरी के कंप्लीट कैसे होगी। सो अभी हम पहनने वाले ये नेकलेस, और ये मुझे सेंड किया है S&A फैशन। आपने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लुक एट द शाइन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चोकर नेकलेस है, और उसके साथ में इयर रिंग्स भी है, तो हम इसे पहनेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे नए फैशन हब स्टोर को जरूर चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।